हाय फ्रेंड्स, तो झारखंड की फेमस रेसिपीज में से ये थर्ड और लास्ट रेसिपी है। ये है नमकीन वाला खपरा रोटी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं नमकीन वर्जन शेयर करूंगी, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सेम जैसे हम मीठे खपरा रोटी के लिए चावल को प्रिपेयर किया था, वैसे ही हम चावल को ओवरनाइट सोक करके, वॉश करके और इसे ओवरनाइट रख देंगे। अब सुबह होते ही हम पानी को ड्रेन करके और जो चावल है उसमें पानी ऐड करके उसका एक स्मूथ सा मिक्सचर रेडी करेंगे। तो ये स्टेप बिल्कुल सेम है। यहाँ हमने चावल का एक बैटर प्रिपेयर कर लिया है और जैसे ही बैटर प्रिपेयर होगा हम उसमें डालेंगे इनो और उसे जल्दी से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल अच्छे से रेडी है। आप देख सकते हैं इसमें बबल्स आने लगे हैं। तो नमकीन खपरा रोटी बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक स्टफिंग रेडी की है। जैसे समोसे की स्टफिंग होती है बिल्कुल वैसे ही आप अपने पसंद की वेजेस डाल सकते हैं। यहाँ मैंने आलू, मटर और पनीर जो है उसको थोड़ा सा हल्दी और नमक डाल के सौटे किया हुआ है। तो ये हमारी स्टफिंग रेडी है। तो यहाँ पे हम पहले तो खपरा रोटी बनाएंगे। तो तवे को गर्म करके हमने यहाँ पर बैटर स्प्रेड कर दिया और इसे बिल्कुल हल्के हाथों से, जैसे हम डोसा बनाते हैं बट इसे थोड़ा मोटा रखेंगे। बिना ऑयल की अगेन ये रेसिपी बन रही है, तो बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। और इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे कि इससे हम ढक देंगे। तो ओरिजिनली जो खपरा रोटी है वो मिट्टी के बर्तन में बनती है, हमारे पास है नहीं, तो यहाँ हमने इसे ढक दिया और लगभग 2 मिनट के बाद इसे उठाकर देखेंगे तो ये बहुत ही जल्दी क्विकली जो है पक जाता है। तो इस पॉइंट पे हम जो स्टफिंग है वो ऐड करेंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इसे बहुत ही प्लेन तरीके से बनाते हैं और इसको एक ग्रेवी वाली सब्जी के साथ खा लेते हैं। हम जो है वो ऐसे स्टफिंग के साथ पसंद करते हैं। तो स्टफिंग बीच में डाल के हमने इसे बिल्कुल टैको के शेप में रोल कर दिया है और ऐसे कर करके हम दूसरे भी जो रोटीज है खपरा रोटी वो तैयार कर लेंगे। तो पहला बैच तो तैयार है, दूसरे बैच की तैयारी यहाँ चल रही है। तो आप अगर चाहे तो इसे बिना ढके भी बना सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही क्विकली पक जाता है, कच्चा तो रहने का कोई चांस ही नहीं है। तो यहाँ पे हमने स्टफिंग डाला और अगेन हम इसे हाफ रोल कर देंगे, हाफ कवर कर देंगे। तो देखिए बहुत ही इजीली 2-2 मिनट में ये पक जाता है। फ्लेम जो है वो मीडियम टू हाई रहेगा और ये हमारी जो दूसरी खपरा रोटी है वो भी तैयार है। अगर आप चाहे तो इसे प्लेन बना के और इसे ग्रेवी वाली सब्जी के साथ इंजॉय कर सकते हैं, वो भी बहुत डिलीशियस लगता है, बट इसका भी स्वाद जो है वो एकदम अलग है। तो ये देखिए हमारी नमकीन खपरा रोटी तैयार है और इसी के साथ मैंने आज बनाया है मीठे वाली खपरा रोटी। इसकी रेसिपी जो है वो पहले से मेरे चैनल पर है। तो अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टे कनेक्टेड। बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट और अच्छे से रेसिपी वीडियो के साथ।